हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं और भाई ऋषिकेश से जा रहे हैं हम बिना खाल से। हेलो ब्रो। तो आगे आगे मेरी मासी जा रही है, तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ब्लॉग के साथ बने रहें। तो गाइस, ये गुमानी वाला साहब, ये अभी ज़मीन सबकी कट रखी है, यहाँ पर सबने अपनी अपनी रजिस्ट्री कर रखी है ज़मीन की। ये सब प्लाट है, ये शॉर्टकट है रोड तक जाने का। तो रोड से हम ऑटो लेंगे नटराज के लिए। चलो हम अभी चलते हैं। चलो ठीक है मासी, ठीक है, बाय। जय माता दी। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। नीचे की साइड जाना। तो यहाँ से हमारा सफर स्टार्ट हो गया है। मेरा न्यू हेयर स्टाइल कैसा है गाइज, ये भी बताना कमेंट करके। गाइज, हमने ऑटो ले लिया है और हम नटराज जा रहे हैं घुमाने वाला से। और ये हमारे साथ बैठे हैं सभी लोग, ये ऑटो वाले भैया। चलो मिलते हैं नटराज। तो गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं। भाई टैक्सी स्टैंड कहाँ है? तो ऑटो स्टैंड है, यहाँ से ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाना है। हाँ भाई, पीछे। तो गाइज, अभी हमने एक बंदे से पूछा है, वो आगे है जहाँ कमांडर खड़े होते हैं ऊपर जाने के लिए। और अभी हम आ गए नटराज। हमने ऑटो वाले को 20 रुपये दिए हैं एक सवारी का। पुलिस चौकी से यहाँ तक नटराज आने के लिए 20 रुपये लगते हैं, और अगर पुलिस चौकी से बाजार जाना है तो 25 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते गाइज। तो वीडियो के साथ बने रहें, सब दिखाएंगे हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं। ठीक है गाइज। तो गाइज, यहाँ ट्रक के साथ ट्रक भिड़ गया है। ओ भाई, टूट गया भाई, उसका वो पूरा टूट गया भाई। चलो कोई बात नहीं, हम अपना चलते हैं टैक्सी स्टैंड पे। ये भाई कहाँ गायब हो गया भाई? ये ट्रक यूनियन है शायद, ट्रक ही खड़े हैं यहाँ पर। अरे वो रहा, ये रही हमारी कमांडर भाई, बातें कर रहा है। तो गाइज, हम यहाँ से आए हैं टैक्सी स्टैंड पे। तो टैक्सी स्टैंड वाले से हमने पूछा कि यहाँ से घनसाली के लिए कितना टाइम लगता है। तो घनसाली के लिए लगभग यहाँ से 3.5 से 4 घंटे लगेंगे। अगर नॉन स्टॉप चलते हैं तो 3.5 घंटे में पहुँच सकते हैं, बट मैक्सिमम 4 घंटे लगेंगे। और यहाँ पे 350 आपको टैक्सी का किराया पड़ जाएगा, मात्र 350 रुपये में आप घनसाली पहुँच जाएंगे। तो बने रहिए व्लॉग के साथ, मिलते हैं आपके इसी वीडियो में, कंटिन्यू करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे भाइयों? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो यहाँ पर आया है तो यहाँ के मज़े लूट के जाए। ये हमारे पहाड़ हैं इतने सुंदर सुंदर, तो कृपया यहाँ ज़रूर आएँ। और जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो ये यात्रियों का सीज़न है, तो इस सीज़न में यहाँ पर आवाजाही बहुत होती है, तो सावधानी से अपना रहना चाहिए। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहें, आपको और बहुत कुछ दिखाएँगे। चलो अभी हम बैठते हैं अपनी सीट पे, नहीं तो कोई कब्जा ना कर ले। भाइयों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, शर्मा फैमिली रेस्टोरेंट के सामने खड़ती है हमारी घनसाली का कमांडर। तो यहाँ पर आके आप घनसाली का कमांडर ले सकते हैं। तो ब्लॉग के साथ बने रहें। और ये अंकल है। भाइयों, अभी ना कमांडर को चलने में 1/2 घंटा पड़ा है, सवारी अभी पिछली बारी पूरी रहती है। तब तक हमने सोचा कि हम थोड़ा पानी पुनी लेते हैं, चाय चुई बनाते हैं, तब चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो ब्लॉग के साथ बने रहें फ्रेंड्स। करीबन 1/2 घंटे बाद हमारा कमांडर चल चुका है उत्तराखंड के लिए, ऊपर घनसाली के लिए। यहाँ पर गाड़ी पे तेल भरवाएंगे, ड्राइवर जी हमारे निकल चुके हैं। गाड़ देखने का लड़का ये नहीं किधर था वहाँ निकलता। और ये सिस्टम यहाँ पर लगा रखा है, इसको खींचते हैं तो यहाँ से गाड़ी बंद। डिजिटल कमांडर है ये, ब्लॉक के साथ बने रहे हैं। तो गाइस, ये है नटराज चौक।
और यहाँ से हमने अगर ऊपर टीरी चंबा श्रीनगर जाना है तो ये रोड है। यहाँ से अगर आप पर्सनल गाड़ी में भी आते हो अपनी तो यहीं से ये रूट है जाने के लिए। इतना याद रखना ये बोर्ड आएगा। यहाँ से हमारे प्यारे प्यारे पहाड़ शुरू हो जाते हैं उत्तराखंड के। आप देख ही सकते हैं लोकेशन। भद्रकाली बैंड क्रॉस किया है, भद्रकाली बैंड से लेफ्ट लेना है। हाँ, तो अगर टीरी गढ़वाल जाना है तो भद्रकाली बैंड से लेफ्ट लेके हमारा पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो जाता है। यहाँ के रास्ते होते हैं टेढ़े मेढ़े सांप जैसे। जाके आपको लोकेशन भी दिखाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस होती हैं यहाँ पर। तो भाइयों अभी हम नरेंद्र नगर आ चुके हैं। देहरादून से आता है ये वाला रास्ता, तो ये भी शॉर्टकट है। अगर किसी ने देहरादून से आना तो ये पीछे वाले रास्ते से आते हैं। वो रास्ता
सारी सड़क टूट रखी है यहाँ पर। पहाड़ों में ये छोटी मोटी ये ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं, बट आज तो पूरी धूप है। ये कल बारिश हो रही थी तो यहाँ पर गदरा आ रहा था, तो अगले दिन ये साफ कर देते हैं। जो भी मलबा ऊपर से गिरता है वो ऊपर, गाइस देख रहे होंगे आप, वो देखो मंदिर है कितनी ऊपर है वो। और ये पहाड़ काट रखा है आधा, काट के सड़क को चौड़ा किया जाएगा यहाँ से। और यही रास्ता अपना गंगोत्री यमुनोत्री भी जाता है। जय हो बजरंगबली। तो गाइस ऐसे पहाड़ों में मंदिर आपको दिखते ही रहेंगे जगह जगह में, थोड़ी थोड़ी दूर में मंदिर आते ही रहते हैं। तो गाइस ऊपर पुलिस थाना चंबा, हम चंबा आ चुके हैं। चंबा का मार्केट, पूरा शहर। इसके बाद आपको दिखाएंगे टीरी डैम। चंबा बहुत ही बड़ा है, वो नीचे भी ज्यादा चंबा है, दिखाते हैं आपको नीचे सब जितने भी घर आ रहे हैं। देखो पर बोर्ड है गंगोत्री यमुनोत्री का, पूरा टोटली हम नीचे जा रहे हैं। गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर भाई ना चला रहे होते तो मैं ही चलाता कार। फ्रेंड्स इसके बाद आपको दिखाएंगे टीरी डैम, ये आपको दिखाया अभी हमने चंबा। कॉलेज आ चुका है, रांचो का फेवरेट कॉलेज। हाँ गुमेटीदार। गाइस फाइनली हम घनसाली पहुंच चुके हैं। नीचे ये घनसाली है सारा।
वंशाली भी काफी बड़ा है। देखिए ऊपर का व्यू है ये वंशाली के। अभी हम घनसाली पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ से चौमिन चौमिन खा के फिर जाएंगे चमियाला। ब्लॉग के साथ बने रहे भाइयों। चौमिन आ चुकी है, बहुत ही टेस्टी लग रही है, इसको खाते हैं फिर कमांडर देखते हैं सीधा चमियाला के लिए। जब बिना खाल का मिलता है तो सीधा वहीं जाएंगे। ओके गाइस चलो खाते हैं इसको। तो भाइयों स्टिंग पीते पीते हमें कमांडर मिल गया। हेलो, अभी हम यहाँ से चमियाला जाएंगे। चमियाला से मिलेगा हमें बिना खाल का कमांडर, तो फिर वहाँ से बैठेंगे उस पर। चमियाला बाज़ार आ चुके हैं और घनसाली से चमियाला बाज़ार की कमांडर की टिकट है कितने, 30 रुपये पर बंदा। तो आज मार्केट बंद है चमियाला बाज़ार की, फल फ्रूट वाले खोले हैं बस, मिठाइयाँ वाले। तो यहाँ चमियाला में ये हमारी नेगी जी की दुकान है, तो अगर किसी ने आना है तो आ सकता है। डेयरी है हमारी, बढ़िया बढ़िया ताज़ा सामान मिलता है यहाँ पर। कुछ बताना चाहेंगे भाई अपने उसके बारे में? कुछ नहीं बता रहा है, बता दो इनको, बगल वाली दुकान दिखा दो, इनकी शक्ल भी दिखा लो। तो ये भी हैं कुछ लोग। क्या नाम है जी आपका? शुभ नाम? इनकी भी सब्जी की दुकान है बगल में। इनकी बगल में सब्जी की दुकान है, वो भी दिखाते हैं आपको। तो ये इनकी सब्जी की दुकान है, यहाँ यहाँ भी अच्छी अच्छी सब्जियाँ मिलती है चमियाला बाजार में, तो जरूर आए इनकी दुकान में। लेगी दूध डेयरी। तो भाइयों अभी तो टाइम पड़ा है गाड़ी चलने में कमांडर, तो तब तक आपको दिखाते हैं हमारे पहाड़ी कुत्ते जो हैं सामने। शेरो आजा, ओ देख तो रहा है कहीं काटने के लिए ना आ जाए, इसलिए थोड़ा सावधान रहे, सतर्क रहे और देखते रहे सारे थोड़ी व्लॉग्स। ये अपने आइसक्रीम वाले हैं, खाओ की सर आइसक्रीम। चमियाला बाजार में आइसक्रीम वाले हैं हमारे भैया ये, खाओ की सर। बहुत बहुत बढ़िया आइसक्रीम देते हैं, जिसने खाने हैं संपर्क करें यहाँ पर जरूर। खाओगे सर? नहीं खाओगे ना? नहीं नहीं। तो ये देखिए, ये हमारे चमियाला का आज का मौसम है, मौसम एक नंबर हो रखा है, जरा ठंड हो रही है, अब हल्की हल्की बारिश हो रही है, यहाँ धूप वहाँ से जा रही है। अरे कितने हरे भरे खेत, कितने प्यारे लग रहे हैं। और आगे चमियाला बाज़ार का दृश्य आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो ऐसी वीडियो के साथ बने रहें। अभी आपको हम ऊपर लेके चलेंगे और बिना खाल, तो वीडियो के साथ बने रहें। और सागर भाई यहाँ पर ज़रा पोज मारते हुए, तो यहाँ पर फ़ोन भी दिखाते हुए, वन प्लस और दोस्तों को वीडियो कॉल करते हुए कि हम पहाड़ों में हैं और कमांडर हमारा वो खड़ा है, अभी चलेगा 15-20 मिनट बाद। तब तक के लिए मिलते हैं, ब्लॉग के साथ बने रहें। कमांडर चल पड़ा है, अब हम जा रहे हैं। अब आप जल्दी बिना खाल, मैंने अपनी शेव शेव करा ली है, बढ़िया लग रहा हूँ अब। ये
ये है चमियाला, नीचे चमियाला शहर है। पर नेचुरल पानी आता है, यहाँ गाड़ी भी धोते हैं और पानी पीते भी हैं। और आगे ये आ गया लाटा, ये हमारा लाटा आ गया। इसके आगे आएगी तहसील, वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो का इंटरेस्ट देखते रहेंगे बढ़ता रहेगा। और ये नीचे देख सकते हैं लाटा घाट है, ये लाटा का पुल है नीचे, यहाँ हम बहुत नहाते हैं जब हम सोनार घूम जाते हैं। और ये आ गई हमारी तहसील लाटा की, अभी हमारा गांव भी आएगा, वो भी दिखाएंगे आपको सुनार गांव। तो गाइज यहां से हम ऊपर को जाएंगे, तो जो ये नीचे वाली सड़क देख रहे हैं आप, ये सुनार गांव को जाती है ये सड़क। किसी ने सुनार गांव जाना तो इस साइड नीचे को साइड जाए, और ऊपर बिना खाल के लिए बासर के लिए ऊपर सड़क जाती है। और भी ऊँचे ऊँचे पहाड़ आ गए हैं, मौसम भी ठंडा हो गया है अब तो। ये चंपा देवता का मंदिर, जय हो चंपा देवता। और हम अपनी मंजिल की तरफ पहुँचते हुए, मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है, ये देखो असली पहाड़ बाहर, मौसम लाजवाब है, लाजवाब भाई। पंजाब में तो इतनी गर्मी है गर्मी, और यहाँ पर एकदम इतना ठंडा मौसम हो रहा है, सीधा लोगों ने स्वेटर स्वेटर पहन रखे हैं। वो सामने ज्वालामुखी माँ का मंदिर है, जाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तो व्लॉग के साथ बने रहें। यहाँ पर मेला लगा हुआ है, नवरात्रे चल रहे हैं इसलिए। हाँ सही है, जय हो माता, जय चल में लग कर। तो फ्रेंड्स हम फाइनली बिना खाल पहुंच चुके हैं, तो आज की वीडियो मेरी यहां तक थी, तो वीडियो कंटिन्यू होगी। अभी मैं बुआ के घर जा रहा हूं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके चलेंगे मंदिर ज्वालामुखी माता के। तो व्लॉग के साथ ऐसे ही प्यार देते रहें, तो नेक्स्ट व्लॉग हम डालेंगे। Okay friends, bye bye, love you all.